तो आ गया आप, स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में क्या है, जैसे कि आपको बोर्ड पे नजर ही आ रहा है, क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन एंड घनाभ के बारे में बहुत सारी कमाल की जानकारी मैं देने वाला हूं आपको। अगर आपने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपने इनके फॉर्मूले भी देखे हैं, और अगर आपने नहीं भी किए हैं, इन दोनों ही सूरत में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में क्या क्या मैं आपको समझाने वाला हूं, सबसे पहले वो जान लीजिए। आज की वीडियो में मैं इस दोनों ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड हर एक चीज को इतने अच्छे से समझाने वाला हूं कि आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, कितना भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन, चाहे कैसे भी घुमा के क्यों ना आ जाए, आप उसका आंसर चुटकियों में निकाल के दे पाओगे। चुटकियों में देखते जाओ बस वीडियो को, और साथ साथ आप ये भी जान पाओगे कि आखिर इनके फॉर्मूले बनाए कैसे गए। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इन फॉर्मूलों को खुद भी बना सकते हो। मैं इतनी आसान तरीके से आपको आज ये वीडियो समझाने वाला हूं, इस टॉपिक को समझाने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी चीज समझना यह है कि इन दोनों ही ऑब्जेक्ट में सिमिलरिटीज क्या है। तो सिमिलरिटीज ये है कि दोनों ही सिचुएशन में आपको छह छह सरफेस मिलते हैं, यानी कि एक क्यूबॉइड हो या एक क्यूब हो, दोनों ही जगह हमें प्राप्त होती हैं छह सतह। अब इन छह सतहों में लेकिन कुछ फर्क है। उस फर्क को समझने के लिए आप अपने घर के अंदर पड़े हुए डब्बों को उठा सकते हैं। जैसे मैंने समझाने के लिए लिए हैं यहां पर मोबाइल के बॉक्स, ये दोनों बॉक्स अलग अलग साइज में हैं, ठीक है, लेकिन इनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज हैं जो आपको समझनी है। मेरे पास एक चौक का डब्बा भी है जो कि ये आपको नजर आ रहा है, और इनसे मैं आपको समझाने वाला हूँ, जरा उस बात पे ध्यान दीजिए। आपको अपने घर में पड़े हुए ऐसे डब्बे उठाने हैं, वो घी का डब्बा भी हो सकता है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स का भी डब्बा हो सकता है, और किसी भी चीज़ का डब्बा हो सकता है। और आपको उठाने के बाद उस पर क्या नोटिस करना है कि आप काउंट करोगे कि उसके सरफेस कितने हैं। तो हम इसमें काउंट करते हैं तो हम पाते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, छः सरफेस, राइट। छः तो इधर भी हैं, छः भी इधर भी हैं, लेकिन ये क्यूब है या क्यूबॉइड ये कैसे पता लगेगा। तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर मौजूद छः की जो छः सरफेस है, यानी कि छः की जो छः सतह हैं, क्या वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो मैंने इसको बहुत ध्यान से देखा पर मुझे पता लगा नहीं, ये इसके बराबर है, ये इसके, ये इसके, इट मीन्स बराबर तो है पर छः की छः नहीं, सिर्फ दो दो। ये वाली बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके। इससे क्या पता लगता है, इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इसकी छः सरफेस छः की छः बराबर नहीं है, दो दो आपस में बराबर है, राइट। तो इसको अब इसमें रखा जाए, इसमें, तो इसका बहुत सीधा सा तरीका है, आसान सा, कि अगर छः की छः सरफेस आपस में बराबर होती तो यह जाता इसमें, लेकिन क्योंकि छः की छः सरफेस आपस में बराबर नहीं है तो इसलिए जाएगा इसमें, ठीक है। यानी क्यूब में छः की छः सरफेस बराबर होती हैं, लेकिन क्यूबॉइड में छः की छः सरफेस आपस में बराबर नहीं होती। लेकिन हमने क्यूबॉइड में पाया कि दो सरफेस आपस में बराबर हैं, इट मीन्स टू सरफेस आर इक्वल इन क्यूबॉइड, ओके। अब समझ लेते हैं क्यूब यानी कि घन के बारे में। घन के अंदर ये जो छह सरफेस हैं ये आपस में इक्वल्स होती हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि इसकी जो छह की छह सरफेस है वो आपस में इक्वल्स होती हैं। अब यहां पर ये दो इक्वल, ये छह इक्वल, इससे आपको क्या समझना है, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम डिजाइन करते हैं, राइट, अब आप यहां पर देख रहे हैं, एक मैंने पीछे स्क्वायर बनाया, एक मैंने आगे स्क्वायर बनाया, एक ये रहा साइड में स्क्वायर, एक ये रहा इस साइड में भी स्क्वायर। तो साइड में भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर, यानी कि इसकी जो छः की छः साइडें हैं वो सभी छः की छः साइडें किसी ना किसी एक स्क्वायर से मिलकर बनी है, और वो सारे के सारे स्क्वायर आपस में बराबर हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं इसको किसी डब्बे से क्यों नहीं समझा रहा, क्योंकि यार हमारे घर में डब्बे मिले ही नहीं, अफसोस की बात, बट लेकिन हमारे पास क्यूबॉइड को समझाने के लिए डब्बा है, और जो कि ये रहा, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर, जब ये बना चार प्लस दो, चार साइड में एक ऊपर एक नीचे, ऐसे करके छह स्क्वायर से मिलकर, तो ये किससे बना है, तो मैं आपको समझा देता हूं, ये बना है ऐसे ही छह रेक्टेंगल्स को मिलाकर। देखिए एक दो इधर साइड में हो गए, ये भी हो गए, और ये भी ऊपर नीचे, ये बना छह रेक्टेंगल्स को मिलाकर, ये बना छह स्क्वायर को मिलाकर। इस बात का ध्यान रखना है, इसमें मौजूद हैं आपके सिक्स रेक्टेंगल्स, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ओके। इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है इनके फॉर्मूले डिजाइनिंग की, तो उसको समझाता हूं मैं अभी आपको बस फटाफट। तो वीडियो का अगर पिछला हिस्सा अब तक समझ में आ चुका है तो अब वक्त है ये समझने का कि आखिर इनके फॉर्मूले बनाए कैसे गए। तो ये क्यूबॉइड और ये क्यूब,
इन दोनों में जो आपको पता है वो पता है कि ये बना है 6 वर्गों को जोड़कर और ये बना है 6 आयतों को जोड़कर। अगर एक आयत की बात करें तो एक आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो एक रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी। अब बात करें कि ऐसे इसके अंदर 6 रेक्टेंगल लगाए गए हैं, तो अगर मैं कहूं कि इसके भाई ये जो 6 के 6 रेक्टेंगल हैं उसका एरिया आपको निकालना है, तो आपका दिमाग कहेगा सही है, फिर एक एक रेक्टेंगल का एरिया ये है, इसको 6×6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब मैंने आपको ये बॉक्स दिखाया था, जब आप इनके इस एक सरफेस यानी इस एक आयत को देख रहे थे, तो क्या ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा इधर वाला है? जवाब है नहीं। और क्या ये वाला इसके जैसा है? तो यहाँ भी जवाब है नहीं। तो आप इसकी जगह अपने घर में पड़ा हुआ कोई भी बॉक्स उठा के देखिए, तो आप पाएंगे कि आपको उसके अंदर जो लंबाई चौड़ाई दिखाई दे रही है उसके अलावा उसमें एक चीज़ और भी है। जब आप मैं इसको ऐसे देखना चालू करता हूँ तो मैं पाता हूँ ये बॉक्स इतना तो लंबा है और ये इतना चौड़ा है, पर ये जो हिस्सा है ये इसकी ऊंचाई है। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है? अगर ये ऐसे रखा है तो ये इतना लंबा है, इतना चौड़ा है और इतना ऊंचा है। इट मीन्स यहां पर तीन अलग अलग बातें हो रही हैं कि इसके अंदर हम देखें तो यहां पे लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। बिल्कुल ऐसे इस बॉक्स को यहां पे लगा के आपको ये बिल्कुल अपने दिमाग में एज अ बिल्कुल सामने रख के सोचना है। तो अब अगर इस हिसाब से देखा जाए, अगर मुझे इसकी इस वाले हिस्से का अगर एरिया निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको और इसको देखता हूं तो मैं ये पाता हूं कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, यानी इस वाले हिस्से का एरिया निकालने के लिए इस लंबाई की इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी कि एल इंटू बी होगा। ओके ठीक है। अब इससे अगर इसका एरिया निकलेगा तो सेम इसी फॉर्मूले से इसके नीचे वाले का भी एरिया निकलेगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में बराबर है, तो इट मीन्स एक ऐसा ही एल बी और लगेगा, तो हमें मिल जाएगा 2LB। समझ ही गए होंगे LB दोनों तरफ मल्टीप्लाई में, तो हमें मिल गया 2LB। ओके मैंने इसे रख लिया साइड में। तो अगर मैं ऐसे फॉर्मूला लगाऊं तो मैं ऊपर और नीचे का एरिया निकाल लूंगा। अब बात आती है कि अगर मैं इस एरिया को देखना चालू करूं कि इसका एरिया कैसा निकलेगा, तो मैं इसको देखता हूं तो पाता हूं कि L तो इसमें भी है बट ये जो चीज है ये चौड़ाई नहीं है, ये ऊंचाई है। यानी अगर इसका एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके एरिया के लिए फॉर्मूला बनेगा L इंटू H। अब इसका निकलेगा तो सेम ऐसे ही इधर वाले का भी निकाला जाएगा, क्योंकि यहां पर भी तो L इंटू यानी कि यहां पर भी ये लगेगा, तो ये हो गया L इंटू H। यहां से भी हमें मिल जाएगा 2L और H। ओके हो गया, ये भी रख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इस साइड वाले हिस्से की। तो इसको देखता हूं मैं तो यहां पर देखता हूं कि भाई ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, ये ऊंचाई थी, यानी अगर इसका एरिया चाहिए तो मुझे इस चौड़ाई को इस ऊंचाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स इसके हिस्से के लिए जो हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो बनेगा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि बी इंटू एच, तो प्लस में एक और बी इंटू एच लगेगा। तो अब बनेगा क्या, यहां से मिल जाएगा हमें 2 और उसके साथ मल्टीप्लाई में बी और एच। अब कोई मुझसे कहता है कि ये बताओ भाई कि ये जो पूरा बक्सा है, ये पूरा जो बॉक्स है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है? तो अब मैं बता सकता हूं कि टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा। टोटल सरफेस एरिया यानी कि टी एस से, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ यानी एक पृष्ठ, ऐसे कितने पृष्ठ हैं? 6 को हमने कैसे समझा? 2 तो इसमें ये वाले हैं तो उसके लिए हमने लगाया ये फॉर्मूला, 2 ये वाले हैं उसके लिए लगाया है हमने ये फॉर्मूला, एल और एच की गुणा की है, और 2 ये वाले हैं जिसके लिए लगाया हमने ये फॉर्मूला। तो मैं इन तीनों को निकाल कर जोड़ दूं तो मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकता हूं। इट मीन्स अगर हम करें 2LB जमा 2LH जमा 2BH, तो मैं अगर ये करूं तो इस पूरे डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस का एरिया निकाला जा सकता है। अब मैं ये पाता हूं 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, और बाकी कोई चीज तीनों जगह पे नहीं। L यहां है लेकिन वहां नहीं है, B यहां है वहां है लेकिन यहां नहीं है, तो बस एक ही चीज है जो तीनों जगह है वो है ये 2। मैं 2 को उठा के रखूंगा बाहर, अंदर रखूंगा LB LH और BH और ये मेरा फॉर्मूला तैयार था, ना आसान। तो ऐसे ही जिस किसी ने भी कभी एक क्यूबॉइड बनाया और उसका जब एरिया निकाला तो ये जो फॉर्मूला आपको इतना बड़ा यहां पे नजर आता है वो कुछ ऐसे बना,
बस यही मेरा समझाने का मकसद था। अब यहां से इसके जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो बनना चालू होते हैं यहीं से। अब मैं उसके आगे आपको समझाता हूं। अब समझते हैं इसी क्यूबॉइड से बनने वाले कुछ और फॉर्मूलों को भी। अब इसके लिए इस बार मेरे पास जो बॉक्स है, अब इस आप बॉक्स को देखेंगे तो इसमें क्या है कि इसमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये खाली है, यानी यहां वाली साइड ही गायब कर दी गई है, और कह रहा है कि भाई अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। जब हम वहां टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे थे वहां बॉक्स पूरा बंद था, पर यहां पे जब मैं टोटल की बात कर रहा हूं तो पांच ही साइड है, 1, 2, 3, 4 और 5, एक साइड गायब है। तो वो एक साइड कौन सी गायब है? ये वाली। और इस वाली साइड का एरिया कैसे निकल रहा था? इस वाली का एरिया निकल रहा था ये लंबाई थी और ये जो चौड़ाई थी इसकी आपस में मल्टीप्लाई करके। इट मीन्स अब ये यहां पर है ही नहीं, तो मैं ये पाता हूं कि ये जो एल बी दोनों थे इसमें से एक एल बी वाला हिस्सा गायब है। अब इसका जब हम टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे, यानी कि टोटल सरफेस एरिया तो लग रहा है लेकिन साइड अब कितने सरफेस यूज हो रहे हैं? सिर्फ 5 सरफेस ही यूज हो रहे हैं। तो अगर 5 सरफेस हैं तो फॉर्मूला कैसा बनेगा? तो यहां पे ज्यादा ध्यान दीजिए, यहां पर 2 एल बी लिए गए थे क्योंकि एक इसके लिए था और एक इसके लिए, यहां से एक एल बी गायब हो गया। इट मीन्स एल बी तो है बट यहां पर 2 थे, अब यहां पर एक ही लेंगे क्योंकि एक हमारा गायब है। प्लस में 2 एल एच तो ऐसे ही रहेगा और 2 बी एच भी ऐसे ही रहेगा, तो फॉर्मूला काफी हद तक तैयार है। लेकिन मैं ये पाता हूं कि 2-2 इनमें तो कॉमन है, इसमें नहीं है तो क्या हुआ? इन दोनों का कॉमन लेके बाहर ले लेते हैं, इसको कहीं और छोड़ देंगे। तो मैं क्या करूंगा, 2 ले लूंगा बाहर, एल एच ठीक है, प्लस बी एच भी ले लूंगा, और ये जो एल बी है इसको छोड़ दूंगा अलग से प्लस में बाहर। तो अब देखिए, अगर 5 साइड का सरफेस एरिया निकालना था तो फॉर्मूला बन गया कुछ ये, जहां पर एक आपका गायब है। अब आप अपने घर में बैठते हैं तो अपने आप कमरे को जरा ध्यान से देखिए। जब हम कमरे में सफेदी कराते हैं तो सफेदी होती है चारों दीवारों पे और छत पे, नीचे का जो फ्लोर है उस पर किसी प्रकार का कोई पेंट या सफेदी नहीं करवाई जाती। तो आपसे कोई कहे कि भाई आपको अपने कमरे का क्षेत्रफल निकालना है जिस पर सफेदी करवाई जानी है, तो अब आप कितनी साइडों का एरिया निकालेंगे? 5 साइड का, 4 दीवार और छत का, फर्श का नहीं क्योंकि फर्श पर सफेदी नहीं होती है। तो अब जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो अब आप मुझे खुद बताओ, ये लगाओगे या ये लगाओगे? तो जवाब है कि ये लगाएंगे, इससे तो 6 के 6 का एरिया निकल जाएगा, फर्श पर तो सफेदी होनी नहीं। तो फर्श वाला जब हटाएंगे तो हम ध्यान दें कि हमारा जो रूम बना हुआ है, जो फर्श वाला हिस्सा होता है उसमें एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, क्योंकि ऊंचाई तो इन दीवालों में पाई जाती है। तो दीवाल की तो कोई बात ही नहीं हो रही क्योंकि सफेदी नहीं होगी, वो होगी फर्श पर। तो हम उसको हटा देंगे और हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। 4 साइडों का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला दिया जाता है, ये हमें फॉर्मूला बनाना होता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया अभी भी है ठीक है, लेकिन अब की बारी सरफेस कितने यूज हो रहे हैं? वो यूज हो रहे हैं 4। ऊपर और नीचे से मान लीजिए खुला है तो ऊपर और नीचे के लिए कौन सा यूज हो रहा था? ये, यानी दोनों के दोनों हट जाएंगे, बचेंगे सिर्फ ये दोनों, यानी कि 2LH प्लस 2BH। अब मैं यहां पर देखता हूं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। एक तो ये 2 दोनों जगह है और ये एक H दोनों जगह है, तो मैं क्या करूंगा कि 2 और H बाहर ले लूंगा, अंदर बच जाएगा L प्लस B। और देखिए 4 साइड के लिए यानी कि 4 सरफेस के लिए फॉर्मूला तैयार हो गया। तो होप सो ये फॉर्मूले कैसे बने, इनको किस तरीके से बनाया गया, जब आपको 6 का निकालना हो तो कैसे लगाना है, 5 का निकालना हो तो कैसे लगाना है, और 4 का निकालना हो तो कैसे लगाना है, ये हिस्सा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्यूब की। अब जब क्यूबॉइड को समझ के आ गए हैं तो क्यूब को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, बस अफसोस की बात यह है कि इसे समझाने के लिए हमारे पास कोई डब्बा या बॉक्स नहीं है, बट ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर मैं इसमें से निकालूं बाहर इसकी एक सरफेस को तो हमें मिलेगा एक स्क्वायर, राइट? और एक स्क्वायर के अंदर आपको पता है कि इसकी चारों साइडें आपस में बराबर होती। अगर मैं इसकी इस एक साइड को ए मानूं तो ये भी ए ही कहलाएगी, ये भी ए और ये भी ए। ए यहां पर कोई ना कोई वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में, वो सेंटीमीटर में भी हो सकती है, वो मीटर में भी हो सकती है। और अगर आपको अपनी रियल लाइफ में कहीं पर कोई क्यूब मिल जाता है तो आप स्केल से उसे नाप कर भी ले सकते हो। तो ऐसे ऐसे इसमें कितने स्क्वायर मिलाए गए हैं वो हम गिन चुके हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था इसके अंदर 6 स्क्वायर होते हैं और वो स्क्वायर आप जानते हैं कि आपस में बराबर होते हैं। तो जब एक स्क्वायर के एरिया की बात होती है तो एक स्क्वायर का एरिया होता है ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब ऐसे यहां पर कितने स्क्वायर यूज हुए हैं? ऐसे यहां पर यूज हुए 6 स्क्वायर। इट मींस अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूं, यानी कि इसका कुल पृष्ठ एरिया निकालने की बात करूं, तो मुझे जोड़ने हैं ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 हैं तो डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं ना यार, फॉर्मूला तैयार।
यानी कि एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कैसे बना 6a square, क्योंकि उसमें थे 6 square, हर एक स्क्वायर के एरिया को जोड़ते गए और हमें मिल गया 6a square। जैसे क्यूबॉइड के अंदर कभी कभी ये कह लेता है, मान लो कि ये पानी की टंकी है या कोई रूम है या कुछ भी है, वो रूम एक क्यूब के साइज का है, उसकी 6 की 6 जो सरफेस हैं वो आपस में बराबर हैं, और तब उसमें सफेदी करवानी है या पलस्तर करवाना है या किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बहुत सिंपल सा तरीका क्या है, जो एक साइड हटाई गई है तो इसमें से 1a square हटा दो, यानी कि 5 रख लो, 1 हटा दो तो 5 का निकल जाएगा। 4 के लिए कहा गया है तो ठीक है, 2 हटा दो, 4 को रख लो, और ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले के साथ। यानी कि इसका टोटल सरफेस एरिया तो इसकी 6 के 6 सरफेस को जोड़कर बना। अगर आपको 5 का निकालना है तो 1 निकाल दो, यहां पर लिख दो 5a square। अगर आपको 4 का निकालना है तो इसमें से 2 हटा दो और लिख दो 4a square। तो क्यूब को समझने में तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, क्योंकि ये सबसे इजी है। क्यूबॉइड वाले हिस्से को जरा अच्छे से देखिएगा, अच्छे समझिएगा और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वीडियो को अगर कहीं पर कुछ कमी रह गई है तो हमें फीडबैक में अपने कमेंट में जरूर बता सकते हैं, हम आप उसमें सुधार करेंगे। तो बस आज की वीडियो में था इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को करो यहाँ से लाइक, चैनल पर पहली बार हो तो यहाँ से करो सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।